जनपद अमेठी की तिलोई व जगदीशपुर विधानसभा की जीत ने भाजपा खेमे में जहां दीप जलाकर जश्न के माहौल में चार चांद लगा दिया, वहीं सपा व कांग्रेस खेमे को मिली करारी शिकस्त को उन्हें मायूस ही नहीं किया बल्कि सिसकियों के साथ उन्हें दिल भी जलते रहे। बता दें कि 10 मार्च की मतगणना में अमेठी की 2 सीट भाजपा के खाते में तो 2 सीट सपा के खाते में गयी। तिलोई में भाजपा से राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने सपा प्रत्याशी मोहम्मद नईम को 27,837 वोटों से हराया। यहां मयंकेश्वर शरण सिंह को कुल 99,360 मत मिले तो मोहम्मद नईम को 71,470 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप सिंघल को 19,978 मत पाकर ही संतोष करना पड़ा। भाजपा विधायक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह को माल्यार्पण करके गुलदस्ता देने और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और तिलोई जय श्री राम के जय घोषों से राम में हो उठी। जगदीशपुर सीट पर भाजपा से मंत्री रहे सुरेश पासी ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी को 22,783 मतों से पराजित किया। यहां सुरेश पासी को कुल 88,375 वोट मिले तो विजय पासी को कुल 66,328 मत लेकर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह को पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी से हार का मुंह देखना पड़ा। यहां सपा से प्रत्याशी रही महाराजी देवी को कुल 87,242 मत तो भाजपा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर संजय सिंह को 59,515 एवं कांग्रेस से रहे प्रत्याशी आशीष शुक्ला को 13,967 मत पाकर ही संतोष करना पड़ा। अमेठी की सदर सीट कहीं जाने वाली गौरीगंज जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, यहां पर भाजपा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी के लिए नरेंद्र मोदी से लेकर योगी और नितिन गडकरी ने भी जनसभाएं की थी और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एवं मनोज तिवारी ने भी कोई और कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी सीट पर नहीं चला किसी का जादू। सपा से 2 बार विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी को 6,711 मतों से पराजित किया। यहां पर राकेश प्रताप सिंह को कुल 78,303 मत मिले तो मटियारी को 71,592 एवं कांग्रेस प्रत्याशी रहे फतेह बहादुर को 28,803 मत पाकर ही संतोष करना पड़ा। अमेठी से रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।